दोस्तों नमस्कार, ये रहा सैमसंग M51। ओके, तो आप भी चाहते होंगे कि आप अपने स्मार्टफोन में के एप्लीकेशन को लॉक कर पाए, वो भी ऑफिशियल तरीके से। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एस सिक्योर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बिल्कुल अनसिक्योर है। ओके, तो होता क्या है कि एस सिक्योर अगर आप यूज़ करते हो, तो अगर आप इससे किसी भी ऐप को लॉक करते हो, लेकिन बाद में आप अगर एस सिक्योर को अनइंस्टॉल कर देते हो, तो सभी लॉक जो एप्लीकेशन आपने कर रखे हैं वो बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं। तो इस सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका आपको देखने मिलता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ कि M51 में आपके स्मार्टफोन में आप ऑफिशियल ऐप लॉक को, जो कि हिडन है, ओके, सैमसंग ने इसे हिडन कर रखा है, वो आप इसे कैसे इनेबल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ओके, तो ऐसे में अगर आप भी M51 यूज़ करते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप भी इस हिडन ऐप लॉक, जो कि ऑफिशियल है सैमसंग का, उसे आप यूज़ कर पाओ। साथ में आपके पास में अगर M31S है, या फिर आप A51 यूज़ करते हो, तो उस पर भी ये काम करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन ये स्पेशली डेडिकेटेड टू M51 के लिए है। तो जिन लोगों के पास में M51 है, इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप भी इस ऐप लॉक का यूज कर पाए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पूरी तरह से देखना वीडियो, चलिए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उसके साथ में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा सैमसंग M51, और आपको अपने M51 के अंदर, या फिर M31S हो या फिर A51 हो, इसमें आप कैसे इनेबल कर सकते हो ऐप लॉक को, जो कि ऑफिशियल है लेकिन हिडन है। ओके, सैमसंग ने इसे हिडन करके दिया है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर। इसके अंदर आपको सिंपल से जाने के बाद में टाइप करना है एक्टिविटी लॉन्चर। ओके, यहाँ पे ऊपर ही मैंने टाइप करके रखा है, तो आपको देखने मिलेगा इस तरह का सिंबल। आप देख सकते हो ये रहा स्पेलिंग एक्टिविटी लॉन्चर का, और ये रहा इसका लोगो। ओके, ये मात्र 200 KB का है, तो बहुत ही इंस्टेंट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में इसको आपको ओपन करना है, ये बाद में थोड़ा लोडिंग लेगा आपके फ़ोन के अंदर। इसके बाद में जो हिडन ऐप है वो आपको दिखाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे बाजू, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऐप लॉक, आप इसे टैप कीजिए। इसके बाद में आपको सबसे पहले जो देखने मिलता है com.samsung.android.applog, इसको सिंपल से इस तरह से इसे टैप करना है। इसके बाद में आपका ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन जो कि हिडन है ऐप लॉक वाला। आपको ये ऑफ रहेगा, मैंने ऑन कर रखा है। ओके, क्योंकि मैंने पहले से प्री सेट कर रखा था, तो ये ऑफ रहेगा, आपको सिंपल से इसे जो है ना ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन होगा, आपको ये बताएगा कि आपको जो पिन सेट करना है, पैटर्न सेट करना है, फिर पासवर्ड सेट करना है। ओके, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी सेट करो, मैंने पिन सेट कर रखा है। ओके, तो 2525 मेरा पिन है, आपका अलग हो सकता है, आपको फिर से एक बार और पिन डालना होगा, तो आपका पिन सेट हो चुका है। ओके, आप पासवर्ड करें या फिर पैटर्न करें। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको सिंपल से ऐप लॉक टाइप में जाना है, और आपको नीचे बाजू और दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, फेस और फिंगरप्रिंट। ओके, तो फेस पे रखोगे तो फेस से भी अनलॉक हो जाएगा, और फिंगरप्रिंट के साथ में रखोगे तो इससे भी अनलॉक हो जाएगा। मैं दोनों को इनेबल कर रखा है। अब हम करेंगे एप्लीकेशन को लॉक। ओके, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने मिलते हैं, सबसे पहला है लॉक एप्लीकेशन, और दूसरा है मास्क एप्लीकेशन। मास्क यानी कि आप अपने एप्लीकेशन को, अपने फ़ोन में के एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो। ओके, लेकिन हमें करने हैं लॉक। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे लॉक के ऊपर टैप। इसके बाद में आपको देखने मिलेगा ऊपर बाजू ऐड का एक बटन, उसके बाद में आपको ऐड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर सभी एप्लीकेशन आपको देखने मिलते हैं जो कि आपको यहाँ पर लॉक करने हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को लॉक कर दूंगा, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आते हैं, जो भी आपके फेवरेट है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने 45 सभी एप्लीकेशन को लॉक कर रखा है। अब यहाँ पे हमें निकलना है बाहर। इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है ना कैमरा, उसके बाद में सेटिंग और सैमसंग मैक्स, इन तीनों ऐप्स को जो है ना ये सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो ये ऐप्स को ये लॉक नहीं कर रहा है। ओके, और रही बात यहाँ पर गूगल क्रोम वगैरह, ये सब कुछ जो है वो लॉक हो चुके हैं, तो ये दो या तीन सिस्टम एप्लीकेशन जो कि ये इसको लॉक नहीं करता। ओके, अब यहाँ पे आपने इसे लॉक तो कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अभी आपको क्या करना है कि आपका ये जो एक्टिविटी लॉन्चर है ना, इसको आपको हाइड कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको सिंपल से जाना है, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन सेटिंग भी जाना है, और यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा हाइड का ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पर आपको कर देना है एक्टिविटी लॉन्चर को हाइड। ओके, ये हो चुका है हाइड। अब यहाँ पे आपके सभी एप्लीकेशन बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये कैसे अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप बात करते हो सिक्योर की, एस सिक्योर की, तो अगर एस सिक्योर को आप अनइंस्टॉल कर देते हो, तो सभी एप्लीकेशन जो कि आपने लॉक कर रखे हैं वो हो जाते अनइंस्टॉल। ओके, अब आप बोलोगे ये तो हाइड कर रखा है, ये कोई भी ढूंढ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने हाइड कर रखा है, आपको अगर और ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, तो आप क्या करिए, आप जो एक्टिविटी लॉन्चर को है ना अनइंस्टॉल कर दीजिए। ओके,
ये आपने कर दिया अनइंस्टॉल। अब ना रहेगा कोई भी निशान और ना रहेगा कोई भी सबूत, तो यहाँ पे आपका एक्टिविटी लॉन्चर हो चुका है अनइंस्टॉल। अब यहाँ पे कोई भी बंदा जो कि बाहर का हो अंदर का हो आपकी कोई भी एप्लीकेशन को अनलॉक नहीं करता आपके परमिशन के सिवा। ओके, उस बंदे को क्या पता भाई कि आपने एक्टिविटी लॉन्चर का यूज़ किया है, एक्टिविटी लॉन्चर कहाँ पर होता है, कैसे चालू करते हैं, कैसे इसे एक्टिवेट करते हैं, उससे नहीं पता भाई। तो आपके सभी एप्लीकेशन बहुत 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 ज़्यादा सिक्योर है और इसे कोई भी अनलॉक नहीं कर सकता। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे इससे अनइंस्टॉल करना है तो आपको एक दिक्कत देखने मिलेगी, वो ये है कि अगर आपको फिर से किसी न्यू एप्लीकेशन को लॉक करना है या फिर अनलॉक करना है, जैसे मान लो आपको गैलरी को अनलॉक करना है, ओके, यानी कि हमेशा के लिए अभी आपको ये लॉक नहीं चाहिए, या फिर आपको इस एप्लीकेशन को समझ लो इसको आपको लॉक करना है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के अंदर। ओके, और यहाँ पे आपको फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा एक्टिविटी लॉन्चर और आपको फिर से जो प्रोसेस मैंने बताई उसके साथ में आपको फिर से लॉक और अनलॉक करना पड़ेंगे एप्लीकेशन को। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन आपको ये स्टेप करनी पड़ सकती है आपने अगर अनइंस्टॉल कर दिया एक्टिविटी लॉन्चर को, या फिर आप इसे हाइड भी कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक, जो कि आपने अगर इस एप्लीकेशन को अनलॉक किया, जैसे समझ लो फेसबुक है, इसे आपने अनलॉक किया, ओके, अब यहाँ पे ये अनलॉक ही रहेगा, ओके, इस तरह से जब तक आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को बंद नहीं करते और उसके बाद में इसे ऑन नहीं करते, यानी कि लॉक अनलॉक नहीं करते। ओके, अब मैंने लॉक करने के बाद में अनलॉक किया और यहाँ पे फेसबुक हो चुका है लॉक। ओके, अब यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन आपने लॉक कर रखे हैं वो जो है ना वो आपके फेस के साथ में भी खुल जाते हैं या फिर आपके फिंगर के साथ में भी खुल जाते हैं, ये खुल चुका है, जो कि आप सेट करोगे तो आप अपने हिसाब से इसे अनलॉक कर सकते हो, फेस के साथ में, फिंगर के साथ में, या फिर पैटर्न के साथ में, पिन के साथ में भी। ओके, तो बहुत ही कमाल का फीचर्स है। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये जो है ना बिल्कुल ऑफिशियल है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, तो ऐसे में आपका कोई भी डाटा जो है ना वो लीक नहीं होता और बिल्कुल ऑफिशियल लेकिन हिडन है। ओके, लेकिन आप इस तरह से इसे बाहर निकाल सकते हो। एक्टिविटी लॉन्चर का जो एप्लीकेशन है वो भी आपकी कोई भी परमिशन नहीं लेता, तो आप बेफिक्र हो जाइए, एक्टिविटी लॉन्चर के साथ में आप इसे एक्सेस कर सकते हो, आपका डाटा जो है वो बिल्कुल खतरे में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको दो ड्रॉबैक देखने मिलते हैं। सबसे पहला तो अगर आप इसे अनइंस्टॉल करते हो आपके हाई सिक्योरिटी के लिए एक्टिविटी लॉन्चर को, तो आपको फिर से लॉक अनलॉक करने के लिए इसे फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है, और दूसरी बात कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है एक बार अनलॉक करने के बाद में आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा फ़ोन को, यानी कि लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, उसके सिवा ये लॉक नहीं होते। ओके, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है और कोई भी इसे बिल्कुल अनलॉक नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन, आपकी परमिशन, और ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऑफिशियल है। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप भी इसे ट्राई करके देखिए और आपके फ़ोन में ये वर्क करेगा। M51, M31s और A51 में काम करता है, अदर स्मार्टफोन में काम करेगा या नहीं करेगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हो। डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना। बाय बाय दोस्तों।